चलिए ठीक है। अरे बच्चों चल रही। कल हमने आपको कहां तक पढ़ा दिया था बच्चों, बताओगे जरा? एक थोड़ा थोड़ा हिंट कर दोगे क्या? वाटर के बारे में सारा कुछ बता दिए थे, है ना? कल कहां तक पढ़ाए थे, जरा थोड़ा हिंट कर दो यार, थोड़ा सा। हाँ, वाटर के बारे में पढ़ा रहे थे शायद, वाटर के बारे में पढ़ा रहा था, और कंडीशन बताए थे कि के डब्ल्यू वाटर कितना होता है, 10^-14, ठीक है, और पी के डब्ल्यू क्या होता है, तो 14, बट टेम्परेचर कितना बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन पे। हमने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ेगा, पी के डब्ल्यू क्या होगा, पी के डब्ल्यू जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर कम करोगे, के डब्ल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और पी के डब्ल्यू जो है, और जो के डब्ल्यू है वो इंक्रीज होगा। अब बात यह है कि जब हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो यहां का पीएच इक्वल टू पीओएच जब आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और न्यूट्रल पॉइंट का सॉल्यूशन कितना होता है, 7, pH 7 होता है। पीओएच इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू, जब 7 हो जाए ना, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। बट ये कंडीशन बच्चों सिर्फ वैलिड रहता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर आप चेंज कर देंगे ना, तो 7 पॉइंट न्यूट्रलिटी को मेंटेन नहीं करता, ठीक है। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने दिया था आपको कल, क्वेश्चन ये था कि पीएच ऑफ वाटर विल बी हायर एट विच टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। देखो, सबसे पहली बात, 4 डिग्री पे भी न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, और 25 डिग्री पे भी क्या रहेगा, न्यूट्रल, समझ रहे हो। अब देखो कंडीशन क्या है कि यहां पे के डब्ल्यू का वैल्यू है 10^-14, और टेम्परेचर कम करने पे के डब्ल्यू का वैल्यू और भी क्या होगा, कम, मतलब हो सकता है 10^-15 हो, 60 हो, ऐसा कुछ होगा, ठीक। तो यहाँ पे पी के डब्ल्यू कितना आया, 14 आया, तो यहाँ पे जो पीएच आएगा वो कितना आएगा, 7, ठीक है। यहाँ पे पीएच कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट का पीएच 7। बट अगर 4 डिग्री पे हम बात करें, तो पी के डब्ल्यू ग्रेटर देन 14, इसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे ना, तो यही हो जाएगा इसका पीएच। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 7 पी के डब्ल्यू बाई 2 जो है ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 7, है ना। तो बोलेगा बताइए किसका पीएच ज्यादा होगा, किसका पीएच हाइयर होगा, तो पीएच ऑफ वाटर, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आया बच्चों आप लोगों को, या मैं रिपीट करूं, गिव मी आंसर प्लीज। बस देखो टाइप करना है यस या नो, और कुछ नहीं करना है, जल्दी से बताओ, वैसा आगे बढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक है, रिपीट करूं एक बार, देखो कंडीशन ये है, यहाँ पे के डब्ल्यू का वैल्यू 10^-14 है। गुड मॉर्निंग अनुज, कैसे हो भाई, दिख नहीं रहे हो बहुत दिनों से। के डब्ल्यू वैल्यू 10^-14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर कम करेंगे तो के डब्ल्यू वैल्यू कम होगा, कम मतलब क्या, 10^-15 हो सकता है, 10^-16 हो सकता है, 10^-17 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, ये -15, -16, -17, कुछ भी, वो हमें नहीं पता। अब जो भी होगा, तो अगर ये है ये है ये है, तो पी के डब्ल्यू जो है कितना हो सकता है, 15 या 16 या 17। और आपको पता है ना, न्यूट्रल पॉइंट पे पीएच और पीओएच दोनों क्या होता है, बराबर, और पीएच प्लस पीओएच के बराबर क्या होता है आपका, पी के डब्ल्यू। ये सब रिलेशन कल बता चुका हूं मैं, ये 2 टाइम पीएच के बराबर क्या आपका, पी के डब्ल्यू, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों क्या होता है, बराबर। अब पी के डब्ल्यू 14 से बड़ा है, 14 से बड़ा, 15 है या 16 है, तो पीएच करेंगे तो 16/2 करने कितना 8, या 15/2 कर दें कितना आ जाएगा, 7.5। तो एग्जैक्ट 7 तो नहीं आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। तो पीएच ऑफ वाटर
देखो अभी भी यहां भी न्यूट्रल है और इधर भी न्यूट्रल है, न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों न्यूट्रल, लेकिन पीएच ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर यही बोलता है टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री, मतलब बोलता है टेम्परेचर एट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर कब का बात कर रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है बच्चों। तो 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करेगा ना, तो यहाँ का कंडीशन क्या होगा, अलग होगा। अब आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो के डब्ल्यू वैल्यू बढ़ेगा, है ना, तो के डब्ल्यू ग्रेटर देन 10 का पावर माइनस 14, है ना, सो पी के डब्ल्यू लेस देन 14, ठीक है, लेस देन 14, तो इसका जो पीएच होगा वो लेस देन क्या जाएगा, 7। ये चीज याद रखना, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। ठीक है, देखते जाओ, आज आप लोग को पूरा चीज बता देता हूं मैं, ध्यान से देखते जाओ। आयनिक जो है तुमसे डरेगा, तुम्हें आयनिक से डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं के एंड केबी ऑफ वाटर, ठीक है, के एंड केबी ऑफ वाटर। जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे है ना, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि सुबोध से कॉन्टेक्ट करो, वो उसके पास वीडियो है, पता नहीं कहाँ अपलोड करेगा वो, तो फिर वो बता देगा आपको, तो वहां से देख लेना लेक्चर, ठीक है। अभी जरा देखो H2O जो है ये H+ और OH- माइनस में ब्रेक हो रहा है, और जब इसको एज एसिड ट्रीट करिएगा ना, तो लिखिएगा K इज इक्वल टू H+ इंटू क्या आपका OH- और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब देखो बच्चों H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे आ गया OH- और डिवाइड बाय क्या आपका H2O, और सेम यही चीज इसका क्या होगा KB भी, KB दोनों बराबर H+ और क्या आपका OH-, ठीक है, और साथ में H2O। ये कंडीशन आप यहां दिखा सकते हैं। अब बच्चों ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो लिख सकते हैं K एंड KB ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, KW ऑफ वाटर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का, और कुछ भी लिख के नहीं दे तब भी यही समझना, तो क्या आ जाएगा, K/KB इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 14 और डिवाइड बाय 55.55, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन कल मैंने प्रूफ करके बताया था किसके बराबर होता है, 55.55। इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चों के या केबी को, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय 55.55। इसके बाद ये जो वैल्यू आएगा ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 16, ये किसके बराबर हो गया, के या फिर केबी के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसिड डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और ये भी है आपका बेस डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, कितना 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 16। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ जाऊं मैं, याद रखना ये चीज, ये जो वैल्यू है के और केबी का, इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखें आगे कंडीशन क्या है, कंडीशन बोल रहा है आपको कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में बोल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने, दैट इज अल्फा का वैल्यू, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, ये H2O है, टूट रहा है तो क्या आपका H+ और साथ में क्या OH- C00 C(1-α C)α C(α), ओके बच्चों। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसके बराबर हो गया, C(α), कंसंट्रेशन ऑफ OH- भी किसके बराबर हो गया, C(α)। देखो वाटर न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि जितना H+ है उतना OH-, किसी सॉल्यूशन में जितना H+ उतना OH- रहेगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है ना, इस वजह से। अब देखो बच्चों कंडीशन क्या है, कि यहां से हम कर सकते हैं कि KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू क्या होता है OH-, होता है कि नहीं होता, पक्का होता है। अब इस KW का जो वैल्यू है 10 का पावर माइनस 14 है, अब देखो ये जितना है H+ का कंसंट्रेशन उतना ही OH- भी है, इसको लिख सकते हैं H+ का स्क्वायर, निकाल लेंगे H+ तो कितना आ जाएगा 10 का पावर माइनस 7, लिख सकते हैं C(α) इक्वल टू 10 का पावर माइनस 7, तो अल्फा इक्वल टू क्या 10 का पावर माइनस 7 बाय 55.5, फिर से इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 का पावर माइनस 9 और डिवाइड 55.55। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 9, ये आ गया वैल्यू ऑफ अल्फा, जो कि देखो 1.8 10 पर माइनस मतलब 0.0000018 आएगा, बहुत निग्लिजिबल,
अल्फा वेरी निग्लिजिबल कंपैरिजन टू क्या बच्चों वन, देख रहे हो ना एकदम निग्लिजिबल। अब परसेंट डिसोसिएशन अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ परसेंट डिसोसिएशन का बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस 7 परसेंट डिसोसिएट हो रहा है। ओके बच्चों बोलो समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों, ठीक है समझ गए। देखो तुम लोग यार अभी तक दिवाली का मिठाई नहीं भिजवाए हो मेरे लिए, बताओ तुम लोग यार अभी तक नहीं भिजवाए एक भी स्टूडेंट, कुरियर करो जल्दी से वहां से। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको आरके टेक्निक से भी सॉल्व करके बताते हैं, आरके टेक्निक से सॉल्व करके बताते हैं, जरा देखो वो भी आदत में डालो। H2O जो है ये किस में जा रहा है, H प्लस और किस में OH माइनस, C00 C into 1 minus alpha C alpha C alpha K equal to C alpha square by 1 minus alpha, ठीक है ये आता है कंफर्म। अब बताया था आरके टेक्निक कि ये नेगलेक्ट होगा कि नहीं, आरके नंबर उसके लिए बताया था आपको 25 into 10 का पावर माइनस 4। अब K by C आपको निकालने बोले थे, निकाल लो K का वैल्यू कितना 1.8 10 का पावर माइनस ऑफ 16 और डिवाइड बाय बच्चों इसका C कितना है 55.55। इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो ये नंबर देखो बहुत बर्बाद आ रहा है, बहुत बेकार टाइप का आ रहा है, समझ रहे हो आप, बहुत अजीब नंबर आएगा समझ रहे। तो कैसा है कि ये जो वैल्यू है इससे तो छोटा आएगा क्योंकि यहाँ माइनस 4 है, यहाँ कुछ भी होगा तो माइनस 14 बचेगा, ठीक है ये निग्लिजिबल है। इसका मतलब 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू क्या करेंगे 1, क्योंकि के ए बाई सी का वैल्यू अगर लेस देन आ जाए आर 1 वन हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या रूट अंडर के बाय सी, ठीक है बच्चों। अब लिख दो 1.8 10 का पावर माइनस 16, इसको लिख सकते हैं बाय 55.55। देखो बच्चों ये 1.8 कब आया था, जब 100 में हमने डिवाइड किया था क्या 55.55 इंटू 55.55 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 16। अब देखो ये हो गया 10 का पावर माइनस 14 ऊपर वाला और नीचे 55.55 का क्या स्क्वायर, यहां से हो जाएगा 10 का पावर माइनस ऑफ 7 डिवाइड बाय 55.55। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.8 इनटू 10 का पावर माइनस 10, आंसर वही आना है, ठीक है आंसर जो है वही आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन है, इसके हिसाब से प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरा कंडीशन आपको मैं दिखाता हूं, इसमें देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन है इस रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये पूरा चैप्टर सिमेट्री पे चलता है, ये बात भी अपने दिमाग में फिट कर लो। फर्स्ट कंडीशन में आपको बता दूं, बोल रहा है कि एट 90 डिग्री सेल्सियस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज अल्फा इज इक्वल टू 1.8 इनटू 10 का पावर माइनस 6। तो देखो 25 पे कितना हो रहा है 1.8 10 पावर माइनस 9 और ये कितना है 1.8 10 पावर माइनस 6, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन तो बढ़ेगा ही ना, तो बढ़ रहा है, वैल्यू दिखाया यहाँ पे। और बोल रहा है कैलकुलेट फर्स्ट के डब्ल्यू, सेकेंड के ए, है ना, और थर्ड पूछ रहा है कि बताइए नेचर क्या होगा सॉल्यूशन का अगर पीएच हो जाए 6, अगर पीएच हो जाए 6.5 और अगर पीएच हो जाए 5.5, है ना, ये चीज पूछ रहा है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम फटाफट फटाफट फटफट फटफट फट बनेगा बच्चा लोग। अब जरा देखो इधर क्या लिखेंगे, सबसे पहले H2O जो है ये जाएगा किसमें आपका H प्लस में और साथ में OH माइनस में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम अगर किस चीज का अल्फा का, तो वो देख ये दिया है कि आपका परसेंट, ये परसेंट दिया है, ठीक है 1.8 पर माइनस 6% हमने छोड़ दिए थे गलती से, तो परसेंट दिया तो अल्फा क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर माइनस ऑफ 8, क्यों परसेंटेज में 100 डिवाइड करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा, तो ये आ गया अल्फा का वैल्यू। अब यहां से लिखेंगे C00 C into 1 minus alpha C alpha और ये क्या आपका C alpha, ठीक है बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें KW का, ये क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H plus into कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है बच्चों OH minus, ठीक है होता है। अब कंसंट्रेशन ऑफ H plus C alpha, C का वैल्यू इसका 55.55 और into क्या 1.8 10 का पावर माइनस 8 ऐसा, तो ये का होल स्क्वायर क्योंकि OH माइनस भी तो C अल्फा ही है। अब 1.8 को लिख सकते हैं बच्चों, ये चीज याद रखना कि 100 बाय क्या होता है 55.55
इंटू 10^-8 का स्क्वायर, देखो ये कट गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका 10^-6 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 10^-12। देखो हमने बताया था ना कि जब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे KW का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो 10^-14 पे KW कितना होता है बच्चों, 10^-14 होता है टेम्परेचर 25°C पे, लेकिन जब 90 कर दिए तो कितना आ गया KW का वैल्यू, KW आ गया 10^-12। ओके बच्चों, क्लियर है बच्चों, बोलो सही जवाब, दो एकदम, KW आ गया 10^-12। अब देखिए यहां से इसका PKW निकालेंगे क्या जाएगा 12, है ना, माइनस लॉग KW करेंगे। अब देखो मैंने बताया था KW अगर बढ़ेगा तो PKW क्या होगा, कम होगा, कम हो गया यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए pH plus pOH is equal to 12 और न्यूट्रल पॉइंट में दोनों दोनों बराबर, ये भी x और ये भी x, तो 2x equal to 12, x equal to क्या आ गया बच्चों 6, मतलब जब pH का वैल्यू इक्वल टू pOH और इक्वल टू 6 होगा तो ये न्यूट्रल पॉइंट है ना, और आपको पता है कि pH greater than pOH है ना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, बेसिक, pH less than pOH है ना, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों, एसिडिक। ओके अब जरा देखिए हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस पे देखो pH is equal to 6, ये कैसा हो गया बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट, pH 6.5 ये कैसा हो गया बच्चों, बेसिक, और 5.5 ये कैसा हो गया बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन है ना। जब जब किसी सॉल्यूशन का pH 5.5 होगा एट टेम्परेचर 90 डिग्री पे तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जब pH 6.5 होगा एट 90 डिग्री पे ये बेसिक होगा, जब pH 6 के बराबर होगा ना तो ये न्यूट्रल होगा है ना, सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। ओके बच्चों ठीक है, समझ में आया, कुछ और देखना है इसमें, हाँ एक काम और रह गया, K का वैल्यू प्लीज रिपीट। अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ रिपीट, सबसे पहले देखो यहाँ पे H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो रहा है, C00 C(1−α C α C α, KW क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, C अल्फा, OH माइनस भी कितना है, C अल्फा। देखो अब अगर बात करें यहाँ पे हम अल्फा का, ठीक है, तो परसेंट डिसोसिएशन दिया 1.8 × 10^-, आपका 1.8 × 10^ दिया था -6%, ठीक है, परसेंट वाइज दिया था, यहाँ देखो ये परसेंट -6, इसमें 100 से हमने कर दिया डिवाइड, तो क्या बन गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया। अब KW का वैल्यू होता है, पुट कर दिए यहाँ पे H प्लस सी अल्फा, तो C कितना होता है वाटर का, 55.55, याद रखना पड़ता है ये चीज, कभी दिया नहीं रहेगा लेकिन याद रखना, किसी भी कंडीशन पे वाटर का कंसंट्रेशन 55.55 ही होगा, तो 55.55 इंटू 1.8 इंटू 10^ के आपका -8 है ना, तो देखो अभी सही हो गया होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.8 को 100/55.55 लिख सकते हैं, तो ये कट गया इधर से, तो अब इसको सॉल्व करते हैं -6 आया, तो -6 का स्क्वायर कर दिया -12, तो ये KW का वैल्यू आ गया। अब PKW क्या हो गया, 12, क्योंकि P के बराबर हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ लॉग है ना, माइनस ऑफ लॉग इज इक्वल टू क्या आपका P। और बच्चों कल मैंने लॉग से रिलेटेड जो वैल्यूज है इसका क्या वैल्यू होगा वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर एक बार और हमें लॉग का टेबल दिखा दो तो मैं ये भी दिखा दूंगा। देखो बच्चों ये लॉग का वैल्यू है ना, सम वैल्यूज ऑफ लॉग, ए लॉग 10, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, लॉग 7, लॉग 8 है ना, लॉग 9 सभी का दे रखा है, फिर ये प्रॉपर्टी बताए थे है ना, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। एंटी लॉग का यूज कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा जब एंटी लॉग का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा ध्यान से देखो कंडीशन पे, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये सारी बातें बता दी। अब यहाँ से जब न्यूट्रल होता है ना तो पीएच और पीओएच दोनों बराबर होता है, तो एक्स एक्स मान के एक्स का वैल्यू निकाले 6 आया, तो पता चला कि जब टेम्परेचर 90 डिग्री रहेगा तो पीएच 6 पे सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, लेकिन अगर पीएच बढ़ जाएगा है ना तो बेसिक हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा क्या एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो क्या दिया था, पीएच 6 ये न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, पीएच 6.5 ये बेसिक हो गया, पीएच 5.5 ये एसिडिक। अगर पीएच लिख दिया 7 और बच्चा ब्रिलियंट टाइप का है, मतलब पढ़ने लिखने पे ध्यान नहीं, उसको रट के रखा है कि पीएच 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो ऐसे रख लिया कि कोई बच्चा तो रटने थे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, ठीक है ना, तो सीधी बात है कि पीएच जब 7 होता तो इस टेस्ट में सॉल्यूशन कैसा होता बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक, क्लियर, सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक,
ये बात आप ध्यान रखना। अब इसके बाद है बच्चों वैल्यू ऑफ के ए, तो के ए क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय वन माइनस अल्फा। अब देखो ये अल्फा जो है निग्लिजिबल कंपेरेबल टू वन है ना, वेरी निग्लिजिबल, अल्फा वेरी निग्लिजिबल कंपेरेबल टू वन, सो वन माइनस अल्फा रफली इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, वन। तो यहां से आ जाएगा के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के ए का वैल्यू पुट कर सी पुट कर दो, अल्फा का स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा आंसर के ए का। ठीक है बच्चों, अब हम आपको लेके जा रहे हैं पीएच कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच कैलकुलेशन पीएच कैलकुलेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बच्चा लोग, और ये तमाम पीएच जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही करते हैं, यही बेसिक टेम्परेचर है, यही बेस टेम्परेचर है। ध्यान से देखना, कहीं दिक्कत नहीं जाएगा, प्यार से समझना, एक एक चीज समझ में आएगा। अब देखो तीन केसेस यहां पे बनेंगे बच्चों, तीनों केस बताऊंगा जिसमें दो केस चलेगा सिमेट्री पे, जैसा हम एसिड के लिए करते हैं वैसा बेस के। क्योंकि देखो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एच प्लस ग्रेटर देन क्या आपका OH माइनस, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है OH माइनस ग्रेटर देन क्या आपका H प्लस, है ना। जब ऐसा हो तो हम pH निकालते हैं क्या, माइनस ऑफ log H प्लस, और यहाँ पे pOH क्या होता है आपका माइनस ऑफ log क्या आपका OH माइनस। सब कुछ एकदम सिमेट्री पे चलेगा, जैसा एसिड के लिए वैसा ही बेस के लिए। तो मैं सिर्फ आपको एसिड के लिए बताऊंगा, बेस के लिए बस एक एक केसेस बता दूंगा, उसको समझ जाना। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले यहाँ पे जो केस वन है इसका, केस वन में हमारा आ जाता है एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या आता है बच्चों, तो सबसे पहले है कि जब आप एसिड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। बोलोगे सर ऐसा क्यों, देखो न्यूट्रल वाटर में H प्लस जितना होता है उतना ही कंसंट्रेशन OH माइनस का होता है, और इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जैसे आप एसिड ऐड करोगे ना, एसिड के पास प्रॉपर्टी होता है एच प्लस प्रोवाइड करने का, जैसे एक्स्ट्रा एच प्लस यहां जाएगा तो नेट फिर आप बात करोगे क्या हो जाएगा, एच प्लस ग्रेटर देन OH माइनस। और जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, AS बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन बोलते हैं, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें कैसा कैसा केस बनता है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व इन वाटर, दूसरा है मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व इन वाटर, तीसरा केस इसमें बनता है बच्चों वीक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, फोर्थ केस बनता है बच्चों मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व इन वाटर, फिफ्थ केस बनता है बच्चों मिक्सचर ऑफ ध्यान से सुनो वीक एसिड प्लस वीक एसिड बनता है बच्चों, और सिक्स्थ केस बनता है बच्चों पॉलीप्रोटिक एसिड, मतलब जिसमें मोर देन वन एसिडिक हाइड्रोजन हो। तो ये इतना केस बनता है, और सुनो ये सीख लिए ना फिर कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। आज की लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखते जाना समझते जाना, कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं, ये हो गया एसिडिक सॉल्यूशन पे। केस टू जो है इसका बच्चों, केस टू है जरा ध्यान से देखिएगा, केस टू को बोलते हैं हम लोग बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो एसिडिक सॉल्यूशन है ना, इसमें कुछ भी करके आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, और H प्लस निकालने के बाद pH निकालेंगे माइनस ऑफ log H प्लस करके। ठीक है, जो बेसिक सॉल्यूशन उसमें बेसिक कंडीशन क्या है कि न्यूट्रल वाटर में H प्लस और OH माइनस दोनों क्या रहता है बच्चों, बराबर रहता है, तो सिमेट्री पे सारा कुछ चलेगा फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन जैसे बेसिक का बात है तो मतलब OH माइनस ग्रेटर देन क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, बेसिक हो गया। अब कुछ भी करके बोलोगे अब ये कैसे आया, तो जब हम कोई बेस ऐड करते ना वाटर में, हमने बताया ना कि बेस बेस की तरह वर्क कब करेगा, जब उसको मीडियम मिलेगा, जब वो टूटेगा, और टूटने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है बच्चों, मीडियम का, है ना। और मीडियम यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर ही होगा आपका मीडियम। ठीक है, तो ये जो OH माइनस है ग्रेटर देन क्या हो गया बच्चों, H प्लस हो गया। ठीक, अब देखो आगे बढ़ता हूं, आगे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कुछ भी करके कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपको निकालना पड़ेगा, निकाल के फिर माइनस ऑफ लॉग OH माइनस कर दोगे, यही हो जाएगा आपका क्या बच्चों, POH। और सुनो pH पता है तो उसको pOH में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना pH plus pOH equal to क्या 14, अगर ये पता है ये भी निकल सकता है। अगर pOH आपको पता है और pH निकालना है तो फिर से ये फॉर्मूला आएंगे, ये पुट कर दोगे ये निकल जाएगा। समझ गए बच्चों,
अब देखो यहाँ पे क्या क्या बनता है, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस डिजोल्व इन वाटर, सेकेंड बनता है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डिजोल्व इन वाटर, थर्ड केस बनता है बच्चों वीक बेस डिजोल्व इन वाटर, फोर्थ केस बनता है बच्चों मिक्सचर ऑफ वीक बेस डिजोल्व इन वाटर, फिफ्थ केस बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस डिजोल्व इन वाटर, सिक्स केस बनता है बच्चों पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, तो ये पूरा सिमेट्री पे, इनके बारे में तो ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, मेन यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे एसिड के लिए, बाकी पूरा काम वहीं से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब देखो लास्ट जो केस बनता है बच्चों, केस थर्ड। ठीक है, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है बच्चों कि एसिड एंड बेस बेस डिजोल्व इन वाटर, एसिड एंड बेस साइमल्टेनियसली बोथ डिजोल्व इन वाटर। तो अब यहां पे तीन केसेस होता है, एक तो या तो सॉल्यूशन डायरेक्ट एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा फर्स्ट, दूसरा होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस, और तीसरा होता है बच्चों बफर सॉल्यूशन। ये तीनों को इंडिविजुअली आपको पढ़ना पड़ेगा कि सर एसिडिक बेसिक एसिडिक या बेसिक डायरेक्टली कब होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस कब आएगा, और बफर सॉल्यूशन कब बनेगा। तो कुल मिला के चैप्टर यहीं पे तो फिनिश हो जाता है, बफर सॉल्यूशन तक पढ़ लिए, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, उसके बाद तो सिर्फ एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है जो कि बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। तो मेन ये सेक्शन है अपना, खास करके ये दोनों बफर सॉल्यूशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों यहां तक सारी बात आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं डायरेक्ट केस वन, और एक बात बता दूं मैं आपको, केस वन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और एक ये वीक एसिड, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्सचर किसका, वीक एसिड का, ये चार केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखो ध्यान से अगर लेक्चर देखोगे गारंटी लेता हूं सारे क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के बनेंगे। ठीक है, समझ गए, तो बस ध्यान से देखते जाना, जहां दिक्कत हो बताते जाना। ठीक है, केस वन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, मतलब एसिड डिजोल्व इन वाटर। ठीक है बच्चों, अब एसिड डिजोल्व इन वाटर, तो यहां कुछ कंडीशन आपको बताने में जा रहा हूं, ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले आप देखो बच्चों कि वाटर में तो वाटर का ऑलरेडी डिसोसिएशन हो रखा है, H प्लस और क्या आपका OH माइनस, और वाटर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है बच्चों, समझ रहे हो। तो अभी अकेला जब वाटर का बात चल रहा है, तो सीधी बात आप देखिए ये जो वाटर है ये टूट रहा है, यहां पे कंसंट्रेशन इसका कितना है, 10^-7, और ये भी 10^-7। ठीक है, जिसका जो KW है क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है ना, ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखे बेटा कुछ भी होगा तुम्हारा वैल्यू बदलेगा नहीं, एक ही केस में बदलेगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, अदरवाइज ऑलवेज अनचेंज्ड, कभी भी ये चेंज नहीं होता। ठीक है, अब अगर H प्लस और OH माइनस चेंज होगा तो कुछ भी हो जाए बच्चों, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो, इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट एकदम फिक्स है, किसके बराबर, 10^-14 के बराबर। तो याद रखना, अगर ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये डिक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक ये डिक्रीज होगा। अब देखो ऐसा कैसे, हम एसिड डिजोल्व कर रहे वाटर में, तो एसिड सोर्स होता है किसका बच्चों, एच प्लस का, तो जब एसिड वाटर में जाएगा एसिड कुछ ना कुछ H प्लस कंसंट्रेशन प्रोवाइड करेगा वाटर में, मान लो C। अब कैसा है बच्चों कि पहले अकेला तो इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन जैसे एसिड गया तो नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो गया बच्चों, नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हो गया 10^-7 और प्लस C। अब जो ये प्रोडक्ट निकालोगे
10 का पावर माइनस 7 प्लस सी इंटू 10 का पावर माइनस क्या आपका 7, इसका जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन क्या आ रहा है 10 का पावर माइनस 14, मतलब अभी रिएक्शन किधर जाएगा बच्चों, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या लग रहा है यहाँ पे, कॉमन आयन इफेक्ट किस पे, इसके ऊपर, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड जाएगा तो क्या बनेगा, वाटर, और वाटर बनने के लिए क्या सिर्फ H+ का जरूरत है क्या, नहीं, H+ के साथ साथ क्या OH-, तो बच्चों H+ जितना पीछे जाएगा उतना OH- भी पीछे जाएगा। मान लो कि जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है ना, पहले तो इक्विलिब्रियम था, लेकिन जैसे इसमें एसिड हमने ऐड कर दिया, एसिड ऐड करने के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, 10 का पावर माइनस 7 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया बच्चों 10 का पावर माइनस 7। अभी इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब है, किधर जाना है इसको, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बच्चों 10 का पावर माइनस 7 माइनस वाई, 10 का पावर माइनस 7 प्लस एक्स, और माइनस क्या आपका वाई, मतलब इसका वाई मोल, इसके वाई मोल से क्या हुआ रिएक्ट कर लिया, और इधर से क्या बना लिया आपका H2O, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बैकवर्ड चला गया बच्चों। अब कंडीशन क्या है कि फाइनल सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन H+ का वो क्या है, 10 का पावर माइनस 7 प्लस 10 का पावर माइनस 7 माइनस वाई और प्लस एक्स, और ये क्या होगा 10 का पावर माइनस 7 माइनस वाई। देखो ज्यादा कौन सा है बच्चों, ये पार्ट तो दोनों में सिमिलर है, बट प्लस एक्स जो है वो एक्स्ट्रा है, किसके केस में बच्चों, इन केस ऑफ एच प्लस। सो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। लेकिन अभी भी एक बात याद रखना कि अब ये जो है ना इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि दोनों से जितना वापस जाना था बैकवर्ड जा चुका। अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट आप लिखेगा, 10 के पावर माइनस 7 माइनस वाई प्लस एक्स, और इंटू 10 के पावर माइनस 7 माइनस वाई, ये किसके बराबर होगा, 10 का पावर माइनस 14 के बराबर, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप ध्यान रखना। बोलो बच्चों समझ में आया आपको, क्लियर क्लियर बता दीजिए, कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आया, कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आया बच्चों। कॉमन आयन इफेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार कॉमन आयन इफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा फिर कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जैसे ये इनिशियली हमने सिर्फ लिया वाटर, यस यस यस, कॉमन आयन इफेक्ट में लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल ही लगता है, अकॉर्डिंग टू लीच एटेलियर्स प्रिंसिपल ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H2O जो है ये H+ और OH- न्यूट्रल जब था तो जितना H+ उतना ही क्या बच्चा लो H- OH- दोनों बराबर बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर बराबर, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 10 पर माइनस 14। अभी जैसे हम एसिड इसमें ऐड कर देंगे, एसिड क्या होता है सोर्स ऑफ H+, तो जैसे आपने ऐड किया ना, ऐड करने के बाद H+ का वैल्यू किसके बराबर मान लो है C, तो नेट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का, नेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन सॉल्यूशन क्या हो गया, 10 का पावर माइनस 7 और प्लस C। तो अब एक बार बता दूं आपको, आप इस कंसंट्रेशन को कंसिडर करके पीएच नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी ये रिएक्शन अब यहां नहीं रुकेगा, अभी रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम वापस इसको मेंटेन करना है ना, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए किधर जाना पड़ेगा, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाएगा